हिस्टैरिसिस क्या है इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि सपोज करो एक स्टूडेंट मेरे पास एक लोहे का पीस ले आया, वो कहता है सर मेरे को ना इसको मैग्नेट बना के दो, मैं बड़ा शौक है मैं खेलने का, मैं मैग्नेट के साथ खेलूँगा। मैंने लोहे का पीस लिया और सोलेनोइड के अंदर रख दिया और मैंने इसमें करंट पास कर दिया, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी थे, तो इन शॉर्ट मैंने एच को इंक्रीज करना शुरू किया, लोहे का पीस मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, मैंने एच बढ़ाया आई बढ़ा, एच बढ़ाया आई बढ़ा। तो हुआ क्या, ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया एच और आई का, ये मान लो वो ग्राफ है जिसमें ये आई है और ये टर्म एच है, एच है और एक आई है। तो ध्यान से देखना, जब मैं बोलता हूँ मैंने H बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ, मैंने B बढ़ाया ताकि सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो, और I बढ़ने का मतलब सब्सटेंस उतना मैग्नेटिक होता गया। तो मैंने H बढ़ाया सब्सटेंस का, I बढ़ा, H बढ़ाया I बढ़ा, H बढ़ाया I बढ़ा, एक ऐसी वैल्यू आ गई जब इसके बियॉन्ड H की वैल्यू, इसके बियॉन्ड H में कितना भी इंक्रीज कर लूँ I और बढ़ नहीं पाएगा, सब्सटेंस ने जितना मैग्नेटाइज होना था वो हो गया। ठीक, तो सब्सटेंस पूरा मैग्नेटाइज है। तो स्टूडेंट कहता है एक काम करो सर, ठीक है मैं खेल लिया, देख लिया, अच्छा है, मुझे लोहे का पीस वापस कर दो। मैंने कहा अभी पकड़, मैं अभी मशीन से एच को जीरो कर देता हूँ। मैंने एच को कम 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 करते करते एच को बिल्कुल क्या कर दिया, जीरो। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड हट गया, तो मैंने देखा आई की वैल्यू भी कम 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 हुई, आई जीरो ही नहीं हुआ, अभी भी इसमें आई बचा हुआ है। आपने देखा होगा टेबल पे पिंस पड़े होते हैं मैग्नेट से चिपके होते हैं, ऑल पिंस, तो बेसिकली आप वो एक पिन उठाओ 10 पिन साथ में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो कई साल से पड़े हुए हैं, वो मैग्नेट ही बन चुके हैं, मैग्नेट साथ रह के वो खुद मैग्नेट बन चुके हैं, उनके एटम अलाइन हो चुके हैं मैग्नेट की तरह। तो अब वो, या आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन वो पेचकस को रगड़ता है उसका किसी मैग्नेट के साथ, तो उसके जो पेचकस है वो स्क्रूज को अट्रैक्ट करता जाता है, क्योंकि आप करके भी देख लेना, कोई पेचकस लेना सॉफ्ट आयरन, उसको रगड़ना किसी मैग्नेट के साथ और स्क्रू के साथ चिपकाना, तो चिपकना शुरू हो जाएगा, मतलब उसको हल्का सा मैग्नेटाइज करोगे वो मैग्नेट इतना काम करेगा लेकिन जल्दी जल्दी लोहा नहीं बन पाएगा वो। तो वही तो हुआ, मैंने मैग्नेट को झट से बना दिया और जब मैंने एच को जीरो किया तो मेरा लोहे का पीस मैग्नेट ही रह गया। तो मैंने देखा हुआ क्या, उस लोहे के पीस के अंदर सारे एटम ऐसे हो गए थे, और जब मैंने एच को जीरो किया हल्के फुल्के थोड़ा ओरिएंटेशन उन्होंने चेंज की पर लेकिन पूरा नहीं कर पाए, काफ़ी एटम ऐसे रह गए एंड स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो मैग्नेट बन गया। वो स्टूडेंट कहता ना ना लूंगा तो मैं लोहे का पीस ही लूंगा, दिया लोहे का पीस तो लूंगा भी लोहे का पीस, मैग्नेट क्यों लूंगा, तुम मुझे इसका लोहे का पीस ही बना के दो। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा धूप में रख ले, क्योंकि तेरे को प्रॉपर्टी समझाई है कि धूप से हीट करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। कहता कई दिन लग जाएंगे, कौन धूप में रखेगा सुखाएगा, तो ना ना मेरे को अभी के अभी चाहिए। सही है, तो फिर मेरे पास एक ही इलाज था और मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन ब्रेक कर दूं, हिला दूं, तो फिर ये मैग्नेट की तरह कम बिहेव करेंगे। तो ज़ीरो करने पे एच तो नहीं हुआ, तो मैंने उल्टी डायरेक्शन में एच अप्लाई कर दिया, करंट सोलेनोइड में इधर की बजाय इधर कर दिया, बी इधर की बजाय बी इधर कर दिया, मतलब उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अब ये एटम उल्टी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये शिफ्ट होंगे उल्टी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एच को उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई किया तो मैंने देखा आई की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई, और ये देखो आई अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आराम से जीरो नहीं हुआ, मेरे को उल्टा एच अप्लाई करना पड़ा, उल्टा फील्ड अप्लाई करना पड़ा ताकि उनकी ओरिएंटेशन को ब्रेक कर सकूं। मैं ऐसा कर ही रहा था पर जल्दबाजी में क्या हुआ, ज़्यादा फील्ड अप्लाई हो गया, रुका नहीं मैं, मैंने और ज़्यादा एच अप्लाई कर दिया और फिर ये मैग्नेट और आई पकड़ गया। अब मैग्नेट की अंदर से फोटो देखी, अब मैग्नेट ऐसा हो गया, उल्टा मैग्नेट बन गया, पहले नॉर्थ इधर था अब नॉर्थ इधर हो गया। अभी मैं रुका ही नहीं यहाँ पे, मैंने और उल्टा एच अप्लाई किया, सब्सटेंस फिर मैग्नेटाइज हो गया। अब वो कहता लोहे का पीस चाहिए, कहाँ से ला के दूँ, एच मैंने ज़ीरो किया, ये मैंने एच ज़ीरो कर दिया, आई अभी भी बच गया। वो कहता लोहे का पीस चाहिए, अब मेरे को उल्टी डायरेक्शन में फिर से एच अप्लाई करना पड़ा,
ताकि इसका आई क्या हो जाए, जीरो। और अगर यहां रुक जाता तो ठीक, अभी भी रुका नहीं, फिर मैंने ज्यादा एच अप्लाई कर दिया और ये जो ग्राफ है वो ऐसा सा ऊपर को चला गया, ये फिर मैग्नेटाइज हो गया। मतलब ये सब्सटेंस इधर कभी इधर मैग्नेटाइज, कभी डी मैग्नेटाइज, कभी इधर मैग्नेटाइज, कभी डी मैग्नेटाइज, कभी इधर मैग्नेटाइज, कभी डी मैग्नेटाइज, फिर इधर मैग्नेटाइज, तो बेचारा कभी लोहा मैग्नेट, मैग्नेट लोहा, उल्टा मैग्नेट, फिर लोहा, फिर सीधा मैग्नेट, फिर लोहा, यही करता जा रहा है। अगर मैं रिपीट करता जाऊं एक्सपेरिमेंट को, इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस। और आप कहोगे ये हुआ क्या, मतलब क्या कोई खेल चल रहा है कि मैग्नेट बन गया, देखा जादू हो गया, अब फिर लोहा बन गया, ये हो क्या रहा है, कर क्यों रहे हैं? इसके अंदर जब आप लोहे की कहानी सुनोगे ना, तेरे साथ क्या हुआ, वो कहेगा मेरे साथ तो बहुत बुरी हो रही है, कि कोई बंदा ना बताऊँ क्या कर रहा है, एच को कभी ज़्यादा कम करे जा रहा है और मेरे साथ खेले जा रहा है कि कभी इधर मैग्नेट कभी इधर मैग्नेट, उस चक्कर में देखो मेरे साथ क्या हाल हो रहा है। मैं अपने एटम को पहले इधर भेजता हूँ, फिर फटाफट कहते हैं इधर इधर, जब मैं इधर भेजता हूँ फिर इधर भेजता हूँ, और कई बार तो एक सेकेंड में 50 बार ऐसा कर देता है मेरे साथ। तो सोचो 50 बार ऐसा करूँगा तो मेरे एटम रुकेंगे, इधर ओरिएंट होंगे, फिर इधर जाएंगे, तो मेरी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रही है और मैं बहुत गर्म होता जा रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होती जा रही है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और गर्मी से क्या हो रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसका लूज हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में उड़ती जा रही है, ख़त्म हो रही है। सही है? तो हीट लॉस होता जा रहा है। तो आपने कहा फिर उससे क्या हो गया, तो गर्म हो गया, तो फिर क्या हो सकता है? अब देखो असली प्रैक्टिकल कहानी क्या है। प्रैक्टिकल कहानी और भी कॉम्प्लेक्स है। कोई इसमें शौक नहीं है खेलने का। हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है डीसी, स्ट्रेट करंट है। हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट्स ऐसे होते हैं, एक वायर में कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और वैल्यू को भी चेंज करते हैं। साइनोसाइडल होते हैं ये, वैल्यू भी चेंज करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, और एक सेकेंड में 50 बार करते हैं, क्योंकि इंडिया में फ्रिक्वेंसी करंट की 50 है। 50 बार ऐसा कर जाएंगे एक सेकेंड में, इतनी तेज चलते हैं। मतलब ये आपकी तारों में 50 बार हो भी गया इतनी देर में, तो जो ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है मेरे घर तक सारी लाइन में, एक सेकेंड में 50 बार सभी घरों में घूम चुकी है, तो इतनी तेज चल रहा है ये, राइट? अब इसमें, अब इसके अंदर सपोज करो 50 टाइम्स ऐसा हो गया। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो तारे डैम से हमारे घरों तक आ रही हैं, रास्ते में जरा ट्रांसफार्मर भी है, जो ट्रांसफार्मर है वो उसके अंदर लोह है, जैसे वो तारे ट्रांसफार्मर के अंदर से होके आती हैं तो ट्रांसफार्मर का लोहा क्या करे, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार उस लोहे के आसपास कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, उसके जो एटम है कभी मैग्नेटाइज, कभी लोहा मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी डी मैग्नेटाइज, कभी उल्टा मैग्नेटाइज, सीधा मैग्नेटाइज, एक सेकेंड में 50 बार, और दिन रात बिजली आ रही है, कट तो बहुत कम लगते हैं, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। आप इस तरीके से ट्रांसफार्मर का लोहा मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, बहुत लगातार होता रहता है, और सोचो इतना बड़ा लोहा जब ऐसा करेगा तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। तभी तो गर्मियों के दिनों में जब बहुत गर्मी है, ट्रांसफार्मर उड़ना भी तभी है, सर्दी में नहीं उड़ेगा, गर्मी में उड़ेगा। एक तो टेम्परेचर 45, फिर ऊपर से I²RT हीटिंग इफेक्ट, तारों की गर्मी, फिर ऊपर से एक और गर्मी, ये जो देखी नहीं किसी ने कि अंदर वो भी खेले जा रहे हैं एटम भी, वो और भी गर्मी, तो बेचारा क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट से आग ही प्रोड्यूस होएगी, उड़ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है और कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ जाके होगी। तो इसके अंदर ये ग्राफ बना, ये ग्राफ तो मैंने समझा दिया। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व, या इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, ऐसे बनना, ठीक। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने इसमें H को जीरो किया था, अपनी तरफ से मैंने H को जीरो कर दिया, लेकिन अब भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अभी भी उसमें I की वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसका नाम रखा गया बचा हुआ मैग्नेटिज्म, इंग्लिश में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वो I की वैल्यू है जब H की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, जीरो। ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, और इसका दूसरा नाम है रिटेंटिविटी। तो ये देखो लिखा हुआ है इधर, ये देखो, तो इसके अंदर
यहाँ लिख लेना, इसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, या इसके स्पेलिंग ठीक करो, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। तो लिख लेना वो एच की वैल्यू, जब आई की वैल्यू क्या हो जाती, सॉरी, वो आई की वैल्यू, यहाँ पे लिखना रिटेंटिविटी का मतलब है वो आई की वैल्यू जब एच की वैल्यू क्या की जाती है, जीरो, उसे रिटेंटिविटी बोलते हैं, बचा हुआ मैग्नेटिज्म। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर ये देख रहे हो, यहां पर आई क्या हो गया था, जीरो, आई जीरो, और कितनी वैल्यू पे, एच की इतनी वैल्यू पे। तो एच की वो वैल्यू जब आई जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ ये रहा, यहां लिख लेना कोएर्सिविटी का मतलब वो एच की वैल्यू जब आई क्या होता है, जीरो, इसमें वो आई की वैल्यू जब एच क्या होता है, जीरो। तो आई की वैल्यू को, बची हुई आई की वैल्यू को बोलते हैं रिटेंटिविटी, और एच की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। ठीक है, दो टर्म्स हैं। और पूरे प्रोसेस में मैं एच को पहले करता हूं, आई बाद में चेंज होता है, एच जीरो करता हूं, आई बाद में जीरो होता है। तो इस प्रोसेस में जो आई है वो लैग कर रहा है किससे, एच से, आई पीछे चल रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। ये मैग्नेटाइजेशन है, यहां करेक्शन ठीक करो, मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। क्लियर है यहां तक? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने 8-10 ऐसे मटेरियल ले लिए जो मैग्नेटिक इन नेचर है, उनको साथ ये खेल खेला लैब में, कभी मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट कर करके उनके क्या बनाए, हिस्टैरिसिस के कर्व बनाए। तो ऐसा कर्व बना जैसे सॉफ्ट आयरन का और स्टील का, ऐसा कर्व बना दिया, ऐसे 10-12 बनाए होंगे, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग बने। ये नोट किया गया, इंपॉर्टेंट है, जिसका एरिया कम निकलेगा हिस्टैरिसिस का, एरिया कम, वो गर्म भी कम होगा, एनर्जी लॉस उसमें कम होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो चीज़ यूज़ करेंगे, वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका हिस्टैरिसिस सबसे पतला निकलेगा, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा जल्दी। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर के कोर्स जाओ चेक कर लेना किसके बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन के, क्योंकि हिस्टैरिसिस लॉस कम है, हीट लॉस कम है। जब उसमें मैग्नेट डी मैग्नेट होगा, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, तो वो कम गर्म होगा क्योंकि हिस्टैरिसिस का एरिया कम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एरिया कम, हीट लॉस कम, एरिया ज़्यादा, लॉस ज़्यादा। प्रॉपर्टी क्लियर है? तो ऐसे 2-3 कर्व देगा आपको पेपर में, वो दे के बताएगा इसमें हीट लॉस किस में कम है, जिसका एरिया पतला होगा कम होगा, हीट लॉस कम है। कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक। अब दो जो मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-3 वो सुन लो। एक तो ये आएगा जो मैंने बता दिया, हीट लॉस कम। दूसरा मेन क्वेश्चन ये आएगा कि परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन कि स्टील। स्टील तो स्टील क्यों, जबकि ये देखो इसमें तो बचा हुआ मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर फिर भी स्टील। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट नहीं है जो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जो कमजोर तो हो सकता है पर लंबा चलेगा। अगर उल्टे सीधे फील्ड उसको बाहर से मिल गए, वो फिर भी लोहा नहीं बनेगा, वो मैग्नेट ही रहेगा। स्टील जो है उसमें बहुत एच अप्लाई करना पड़ता है ताकि उसका आई क्या हो जाए, जीरो। जबकि सॉफ्ट आयरन मैग्नेट तो बहुत स्ट्रांग है, तुमने एच जीरो किया, आई तो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, पर अगर हल्का सा उल्टा फील्ड अप्लाई किया नहीं, फटाफट ये आई क्या कर लेगा अपना, जीरो। लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की बात नहीं की, हमने परमानेंट की बात की। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर स्टील यूज किया जाता है, लिख देना, क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है, रिटेंटिविटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोएर्सिविटी चाहिए। क्लियर है? कोएर्सिविटी का मतलब है कि उसके मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई चाहिए, और इतना मिल नहीं पाता तो वो परमानेंट रहता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाए जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मुझे स्ट्रांग फील्ड चाहिए, लंबा नहीं चाहिए, उसी टाइम स्ट्रांग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि फटाफट एच जीरो भी करोगे तो स्ट्रांग मैग्नेट जनरेट हो जाएगा, पर लंबा चलेगा नहीं चलेगा वो ना पूछें, कि परमानेंट तो बोला ही नहीं आपने, तो स्ट्रांग मैग्नेट बोला। ट्रांसफॉर्मर का कोर किससे बनाया जाएगा, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि हीट लॉस बहुत
कम है।